विकासखंड के ग्राम पंचायत क्षेत्र नकहवा के बूर्तिया टोला धौरवाहा तिलिया ममरिहवा से है, जहां कई घर अनुसूचित जनजातियों की भी बस्ती है, जहां जगेश्वर पाल, तपीसर पाल, प्रियंका देवी, मुन्नर सिंह, ज्ञानचंद, साकेत सहित सैकड़ों लोगों ने एक साथ इकट्ठा होकर ये बताया कि आजादी के लगभग 74 वर्ष बाद भी मूलभूत सुविधाओं से ये गांव कोसों दूर न कहकर बल्कि वंचित कहा जा सकता है, जहां पर आज तक न तो सुगम पहुंच मार्ग है, न ही बिजली की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, न स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था, कुछ भी नहीं है। जबकि यहां के लोग कई बार विधायक महोदय, कलेक्टर महोदय के पास लिखित आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आज तक आवेदनों को किसी भी तरह से संज्ञान में नहीं लिया गया, न ही अमल में लाया गया। लोग असहाय और निराश उक्त मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हो रही हैं, दर दर भटक रही हैं, जगह जगह अपनी व्यथा सुना रही हैं। इसे क्या कहा जा सकता है, आला अधिकारियों की उदासीनता, या कि शासन तक बात नहीं पहुंच पाती, या कि शासन के दावे ही खोखले हैं। आज जहां पर शासन की मंशा है कि प्रत्येक ग्राम में पेयजल की अच्छी व्यवस्था हो, सड़क मार्ग की अच्छी व्यवस्था हो, विद्युतीकरण की अच्छी व्यवस्था हो, स्वास्थ्य केंद्र की अच्छी व्यवस्था हो, विद्यालय की व्यवस्था हो, परंतु उक्त सुविधाओं के अभाव में नकहवा ग्राम के लोगों द्वारा मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन और आला अधिकारियों का ध्यान आकर्षण कराया जा रहा है, जो नकहवा ग्राम के लोग हैं उनकी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए वांछित सुविधा मुहैया कराई जाए, जिससे लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर को देखा जा सके। चित्रंगी सिंगरौली से विनोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। और आज यहाँ पर बहुत ही भीड़ एकत्रित हुई है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि भीड़ किस लिए एकत्रित हुई है। सर, यहाँ लंबे समय से लोग विद्युतीकरण के लिए परेशान हैं और कई बार शासन प्रशासन तक आवाज़ उठाए और आवेदन दिए, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई, इसलिए सब इकट्ठित हुए हैं। अच्छा, तो आपने आवेदन कहाँ कहाँ दिया है? ये माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष दिए हैं। हाँ? और 181 पर भी हमने शिकायत किया। हाँ? और वहाँ यहाँ तक लोगों को पहुँचाया। अच्छा, और किसी जनप्रतिनिधि को भी क्या आपने आवेदन दिया है? जी सर, विधायक जी से जरूर बात हुई है। अच्छा, हाँ, तो वहाँ से कुछ आपको मिला, कुछ उत्तर संतोषजनक? आश्वासन दिया गया, हो जाएगा, चलिए हो जाएगा, देखा जाएगा। ये कितने दिन हो गए? साल भर हो गया। अभी तक आप लोगों की सुनवाई? कोई सुनवाई नहीं। तो मतलब आप ये मुख्य आपका मुद्दा विद्युतीकरण है? मुख्य विद्युतीकरण है। आप अच्छा, आपके गांव में लाइट की व्यवस्था नहीं, फिर भी लोग प्रकाश के लिए क्या व्यवस्था करते हैं? कुछ नहीं सर, जो लकड़ी है, लकड़ी जलाते हैं और उसी से अपना प्रकाश करते हैं, उसी से खाना पीना खाते हैं, उसी से सो जाते हैं। तो शासन के द्वारा तो केरोसिन वगैरह भी वितरित करवाया जाता, तो क्या मिलता है? मिट्टी केरोसिन, तो केरोसिन कोई नहीं लेता है सर। खरीदते ही नहीं मिलता ही नहीं कि खरीदते ही नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, तो कुल मिला के आप अपनी बात जो है कि मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं? जी, जी, जी। अच्छा, इस जिस मोहल्ले में मैं कवरेज कर रहा हूं, इस मोहल्ले में, इस गांव में, इस ग्राम पंचायत में कितने ऐसे घर हैं जो कि विद्युत से वंचित हैं? कम से कम 150 घर की आबादी है और ये वंचित हैं? वंचित है। अच्छा, यहाँ पर अच्छा यहाँ पर कभी सर्वे वगैरह भी किया गया है बिजली विभाग का? सर्वे नहीं किया गया, बिजली विभाग का कोई सर्वे नहीं किया गया। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन